चावल हेउछि जीवनर शस्य। सर्वाधिक चावल रप्तानी करी भारत अनेक देश को खाद्य जोगाउछि। तेबे जलवायु परिवर्तन एवं अत्यधिक सार प्रयोग जोगु माटीर मान नष्ट हेबा कारणरु धान उत्पादन प्रभावित हेउछि। एमितिरे इको फ्रेंडली चाष पई युव वैज्ञानिकंकु आह्वान देछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज कटक विद्याधरपुर स्थित जातीय धान गवेषणा प्रतिष्ठानर द्वितीय इंडियन राइस कांग्रेस रे जोग देथिले राष्ट्रपति। कृषि क्षेत्र को प्रभावित करुछि जलवायु परिवर्तन, माटीर मान नष्ट करुछि अत्यधिक सार, इको फ्रेंडली चाष पई युव वैज्ञानिकंकु आह्वान। आज कटक विद्याधरपुर स्थित जातीय गवेषणा प्रतिष्ठान एनआरआई रो द्वितीय इंडियन राइस कांग्रेस को उद्घाटन करने अवसर में यह कहते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निज अभिभाषण में राष्ट्रपति कहते चाउल हेउछि जीवनर शस्य। चाउल उत्पादन जे केवल आम अर्थनीति को समृद्ध करिछि ता नुहे, सर्वाधिक चाउल रप्तानी करी भारत अन्य देश को खाद्य जोगाउछि। खाद्य सुरक्षा रे चाउल रो भूमिका कौन ताहा समस्त को जणा। तबे जलवायु परिवर्तन जुगो समग्र विश्व रे कृषि क्षेत्र विशेष भावे प्रभावित होइछि। सेइभळी अत्यधिक सार प्रयोग जुगो माटी रो मान नष्ट होउछि। एभळी परिस्थिति रे इको फ्रेंडली चाष पई युव वैज्ञानिक को आह्वान देइछन्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संस्कृति और जीवनशैली प्रमुख अंग हेउछि धान, तेणु पारंपरिक धान बिहन संरक्षण और प्रयोग पर क्षेत्र प्रस्तुत करने को परामर्श देते राष्ट्रपति। आई एम देयर फॉर हैप्पी टू लर्न दैट एनआरआरआई साइंटिस्ट आर एक्टिवली सीकिंग सॉल्यूशंस बाय कलेक्टिंग आइडेंटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग यूनिक राइस जर्मप्लाज्म दैट कैन सर्वाइव दीज कल्टिवेशन चैलेंजेस। Another challenge is to save the soil from excessive use of chemical fertilizers, which are considered necessary for not modern rice cultivation. We need to reduce our dependence on such fertilizers in order to keep our soil healthy. I am confident our scientists are at work to devise eco-friendly rice production systems. मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे किसानों के परिश्रम ने, वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। आज खाद्यान्न की दृष्टि से हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया को भी मदद करने वाले देशों में से एक बने हैं। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय है। चारिदिन धरी चलिबा को थिबा द्वितीय इंडियन राइस कांग्रेस सम्मेलन रे नुआ नुआ किसमर धान उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, विश्व खाद्य संकट आदि विभिन्न विषय उपरे आलोचना हेबो। एथिरे सारा देश एवं विदेशरु 350 वैज्ञानिक एवं छात्र छात्री जोग दैछंती। एथिरे मुख्य अतिथि भाबे जोग दै जातीय धान गवेषणा प्रतिष्ठान रो 76 वर्षर सफलता एवं अवदान संपर्क रे आलोकपात करथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 1946 मसीहा रे प्रतिष्ठित ए गवेषणा केन्द्र नुआ नुआ किसमर धान उत्पादन करी सारा भारत रो धान गवेषणा और उत्पादन को एक नुआ दिग दे। द्वितीय इंडियन राइस कांग्रेस सम्मेलन विषय वस्तु रही धान अनुसंधान में परिवर्तन, सांप्रतिक वैज्ञानिक विकास और विश्व खाद्य संकट, जहाँ पर विशेषज्ञ मैंने मत रखिंट। हमारा दो तीन बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है, 6-7-8 टन पर हेक्टर का वैरायटी है, मोरा मनी है, और वो हम एक्सपेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग उसका साथ जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है सॉइल न्यूट्रिएंट का वो भी हम दे रहे हैं, और साथ में जितना कम रासायनिक सार यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कर रहे हैं उसको बैलेंस करके टोटली, हम नहीं बोल रहे शिफ्ट कर जाओ जैसे हमारा बाहर, तो 4 टन तक हमने यील्ड तो रखा ही है, 5-6 साल में करेंगे। क्लाइमेट जो परिवर्तन होने भी क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज बाहर करा, क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज सेटा नहीं भावुची चाषी मैंने जो क्लाइमेट चेंजर परिवर्तन को से मानकर जो अमलक्षम धान धान चाषर धान चाषी मानकर जो जो समस्या उत्पन्न होती से समस्या को समाधान करने विज्ञान एवं तकनीक रे कौन कौन आवश्यकता रही तार विषय वस्तु पर आलोचना हवा परे तार जो विषय वस्तु जो बिंदु बाहर से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार सहित साझा कर। द्वितीय इंडियन राइस कांग्रेस सम्मेलन में फिलिपाइन्स और आफ्रिकार प्रतिनिधि मैंने जोग देवार कार्यक्रम रही। आज उद्घाटनी उत्सव में केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमार, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, कृषि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई प्रमुख अतिथि भाव में जोगदे।
କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।